हे स्टूडेंट, वेलकम एंड सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन में 4 और 5 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 6 और 7 का, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के साथ, ये आपको समझा देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? 3y प्लस में 4 डिवाइड बाई 2-6y इज इक्वल टू -2/5। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराने का कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल से ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था कि आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है कि लेफ्ट साइड वाला जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो और राइट साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो इधर ये डिवाइड में है तो ये अपोजिट साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। उसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने लगते हैं। जैसे ये देखो, 5 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँ, अभी डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि 3y प्लस 4 पहले से है, ये जो 5 आएगा यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा, और जब मल्टीप्लाई में आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। 3y के साथ भी होगा और 4 के साथ भी होगा, केवल एक नंबर से आप कर दोगे मल्टीप्लाई तो वो गलत आ जाएगा आपका आंसर। उसी तरीके से इक्वल के उस साइड में -2 पहले से है, ये जो 2-6y है इधर जाएगा, तो अब ये डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2-6y हम उसको ऐसे लिखते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहो तो भी ठीक, नहीं लगाना चाहो तो भी ठीक, क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं है यानी कि वहां पर मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। अब चलो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5-3 जो हो जाएगा हमारा 15y, प्लस में है दोनों तो प्लस की साइन लगा लो। 5-4 जो हो जाएगा 20, इक्वल के उस साइड में 2-2 जा 4 हो जाएगा। उसके अलावा ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम माइनस की साइन लगा लेंगे। उसके बाद फिर से माइनस और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस होता है हमारा प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस की साइन लगाएंगे। और 2-6 हो जाएगा हमारा 12, और y को उतार दो इस तरीके से। अब क्या करो, y को एक साइड और नंबर्स को एक साइड कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 15y जो कि पहले से है, ठीक है। ये हमारा 12y इधर आ जाएगा, तो इधर देखो ये प्लस में था, इस साइड आकर के ये -12y हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से ये -4 पहले से है राइट साइड में, ये +20 इधर जाकर के -20 बन जाएगा। तो 15 में से हमारा 12-4 कितना आ गया, 3y आ गया, इक्वल के उस साइड में दोनों माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 20 और 4 हो जाएगा हमारा 24, और बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लगेगी, ये ध्यान रखना। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो। अभी ये दोनों क्या में आपस में मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। तो y 3 जो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा -24 डिवाइड बाई में 3। बस इसको आप कट कर लीजिए, देखो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 आ गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल गई, -8। और ये डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको -8 लिख लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कम्प्लीटली सॉल्व, एकदम सिंपल सा मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये थोड़ा सा सिमिलरली ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस नंबर्स को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 7y प्लस 4 पहले से है, ये 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में -4 पहले से है, ये जो y प्लस 2 है इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3-7 जो हो जाएगा हमारा 21y प्लस में 3-4 जो हो गया 12, इक्वल के उस साइड में 4y का मल्टीप्लाई होगा तो 4y आ जाएगा, और माइनस और प्लस -4y आएगा। उसी तरीके से 4-2 जा 8 आ जाएगा, और माइनस और प्लस -8 हो जाएगा। बस y को एक साइड, नंबर्स को एक साइड ट्रांसफर कर लिया जाए, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 21y, ये जो -4y है इधर आकर के +4y हो जाएगा, सॉरी 5 लिख रहा हूँ, 4y, ठीक है। इक्वल के उस साइड में ये -8 है, ये जो 12 है हमारा प्लस में था इधर, इधर जाकर के ये -12 हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से इनको सॉल्व किया जाए, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 25y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में माइनस और माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो 12 और 8 हो जाएगा हमारा कितना 20, लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो साइन माइनस की रहेगी, भले प्लस हो या कुछ हो। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो 25 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा -20 डिवाइड बाई में 25। अब बस इसको यहाँ पर से कट कर लिया जाए, दोनों हमारे देखो 5 से कट हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट 5 से कट कर लेते हैं। 5-4 जो होता है 20 और 5-5 जो होता है 25, तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर -20 था, ये ध्यान रखना ना, तो ये -4 हो जाएगा और नीचे में ये 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -4/5 हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना था, देखा कितना सिंपल है। अब इसी टाइप से मैं आपको सिंपल मेथड में अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 उनको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, और उनको भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके सामने दो विंडो ओपन हो गए होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक कीजिए तो आप सीधे सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाइएगा, और राइट साइड वाले विंडो में क्लिक कीजिएगा तो इस चैप्टर के अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे, जितने भी एक्सरसाइजेस के, वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।